हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने वाले हैं आलू वाली तहेली, आलू की तहेली। तो देखते हैं ये कैसा बनता है। तहेली पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कुकर के अंदर तेल गरम कर ली हूँ और इसमें हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तेज़पत्ता, दालचीनी, दो इलायची, 4-5 लौंग, 8-10 काली मिर्च डालने के बाद मैंने एक प्याज काट के डाली हूँ। उसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई करना है। उसके बाद कुछ कड़ी पत्ते डालेंगे। फिर यहाँ पर मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ में। फिर हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, और ये 2 बड़े टमाटर है और 4 हरी मिर्च। हरी मिर्ची को मैंने स्लिट नहीं करी, ऐसी ऐड कर दी हूँ। सारी चीज़ों को, मसाले को अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर, ताकि हमारे मसाले जले ना। उसके बाद हम उसमें आलू ऐड करेंगे। आलू, टमाटर और मसालों को अच्छे से पका लेंगे। मसाला पकने के बाद हम इसमें 1 पैकेट छाछ का डालेंगे, ये छोटा वाला पैकेट है जो 10-12 रुपये का मिलता है वो। उसके बाद फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, इसी छाछ के पानी के अंदर ही हम चावल ऐड करेंगे। चावल को मैंने 1/2 घंटे पहले ही भिगो दी थी धोकर। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स करके हम इसे पानी सूखने तक का पकाएंगे फास्ट गैस पर। अब हमारा पानी सूख जाने के बाद हम इसे ढक्कन लगाकर 5 से 10 मिनट दम के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा पुलाव दम पर आता है, हम साइड में बूंदी का रायता बना लेंगे। बूंदी का रायता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भर के दही ली हूँ। दही को हमें अच्छे से फेंट लेना है। ये बूंदी है, इसे भी मैंने धोकर पानी में भिगा के रख दी थी, तो ये फूल गई है अच्छे से। दही में हम बूंदी ऐड करेंगे, उसमें नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, ये सब हमें 1/2 चम्मच डालना है, और 1 हरी मिर्ची बारीक कट करके, और थोड़ा सा चाट मसाला और हरा धनिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये हमारा बूंदी का रायता भी तैयार हो चुका है। अब हम पुलाव चेक कर लेंगे। तो हमारा पुलाव भी रेडी हो गया है, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। जैसे गर्मा गर्म बूंदी के रायते के साथ में खाइए, परोसिए। हम इसे अब सर्व करेंगे एक प्लेट में। यहाँ पर मैंने 1 अंडा बॉईल करके रखी थी, उसे मैंने कट करके इस राउंड राउंड शेप में ऊपर से सजा दी, और प्याज का बिरिश्ता और कोतमी हरा धनिया की पत्ती से सजा देंगे। तो ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अगर अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।